नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। यूपी में विकास दुबे के करीबी अमर दुबे का एनकाउंटर, हमीरपुर में मार गिराया गया। मास्क सैनिटाइजर को सरकार ने एसेंशियल लिस्ट से हटाया, सलाह को किया दरकिनार। दिल्ली में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, गुजरात में बाढ़ जैसे हालात। एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी रोकेगी कोरोना को, यूएस ने की 3367 करोड़ रुपए की डील। गलवान में पीछे हटी चीनी सेना, नई सैटेलाइट इमेज में टेंट सामान गायब। बाबा साहेब अम्बेडकर के मुंबई वाले घर में तोड़फोड़, जांच में जुटी पुलिस। भारत से तनातनी के बीच चीन पीओके में बनाएगा हाइड्रो पावर पॉइंट। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण लामबड़गढ़ में बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक। यूपी के बाराबंकी में NH24 के अहमदपुर टोल प्लाजा के 42 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में चोरी के आरोप में पहुंचा ग्वालियर सेंट्रल जेल कैदी कोरोना पॉजिटिव। सेना की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान, पूछ में किया सीजा फायर का उल्लंघन। कर्नाटक के कलबुर्गी में सार्वजनिक स्थानों हॉल में होने वाली शादी समारोह पर रोक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3। वाराणसी के अजगरा विधानसभा से MLA कैलाश सोनकर हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्रंप प्रशासन ने आधिकारिक रूप से अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग किया। विकास दुबे की तलाश में दिल्ली NCR पहुंची STF की टीम, लोकल पुलिस भी एक्टिव। बिना प्रिस्क्रिप्शन कोरोना टेस्ट की मंजूरी से खुश अनिल, बताया बेहतरीन कदम। शिल्पा शेट्टी के नाम पर धोखाधड़ी, करोड़ों का चूना, केस दर्ज। 3 महीने के बाद एक बार फिर शूटिंग पर लौटी तापसी पन्नू, शेयर की तस्वीरें। सरोज खान की बायोपिक बनाना चाहते हैं रेमो, कहा कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। BCCI ACU ने कहा कि डांडीवाल की गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार की दुनिया में खलबली। 9 महीने से साथ काम कर रहे धूमल बोले कि ICC चेयरमैन के लिए सौरव गांगुली परफेक्ट। शाहिद ने दिया आकाश का जवाब, कहा कि भारतीय खिलाड़ी हारने के बाद माफी मांगते थे। सौरव गांगुली ने कहा कि मेरा हमेशा से मानना है कि धोनी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे। T20 वर्ल्ड कप पर 10 जुलाई को फैसला संभव, कोरोना के कारण 2 साल तक के लिए टाला जा सकता है।